ओम शांति। 4/9/2022 यानी 4 सितंबर 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 1/4/1992 मतलब ये मुरली 1 अप्रैल 1992 की आज फिर से रिपीट हुई है। बाबा कहते हैं उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, एक ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। बाबा कहते हैं उड़ती कला यानी अपनी कला को अगर बढ़ाना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो तुम्हें दो बातों का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तुमको परमपिता परमात्मा से एक ज्ञान युक्त भावना भी रखनी पड़ेगी, मतलब परमपिता परमात्मा के बारे में एक ज्ञान होना चाहिए, परमपिता परमात्मा से योग लगाना होगा, और परमपिता परमात्मा से स्नेह युक्त योग होना चाहिए, मतलब परमपिता परमात्मा से तुम्हारा प्यार भी होना चाहिए। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और एक ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। भावना स्नेही भावना मूर्त आत्माएं वो हो गई जो केवल परमपिता परमात्मा से प्रेम करती हैं, उनको परमपिता परमात्मा का अच्छा एक ज्ञान नहीं है, वो परमपिता परमात्मा से योग नहीं लगाती हैं, बस उनको परमपिता परमात्मा से प्रेम है, वो हो गई स्नेही भावना मूर्त आत्माएं। और एक ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं वो होती हैं जिनको पूरा परमपिता परमात्मा का एक ज्ञान है, परमपिता परमात्मा से योग लगाती हैं, वो एक ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं हो गई। तो आज बाप दादा स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और एक ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं कि हमसे जो आत्माएं प्रेम करती हैं या फिर हमारे ऊपर जो आत्माएं योग लगाती हैं, दोनों प्रकार की आत्माएं हमें प्रिय हैं, दोनों ही हमारे वर्षे के अधिकारी हैं। एक ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं हमसे प्रेम करती हैं वो भी हमारे वर्षे के अधिकारी हैं, और जो आत्माएं हमारे में योग लगाती हैं, ध्यान करती हैं, एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, वो भी वर्षे के अधिकारी हैं, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। जो स्नेह और भावना मूर्त बच्चे हैं वो जो परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं वो भावना के कारण याद रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जो परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं, योग नहीं लगाते हैं, केवल प्रेम करते हैं, वो सदा और सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं करते हैं। एक ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं। जो एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं जो परमपिता परमात्मा को योग लगाती हैं वो सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करती हैं, सदा सर्व शक्तियों की अनुभव करती हैं, तो वो सहज वो ये योग लगा के ये भी अनुभव करती हैं कि मैं सहज सतयुग में जा रही हूँ, ब्राह्मण बन रही हूँ, ये आत्माएं अनुभव करती हैं, मतलब विजयी बनने का अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। जो परमपिता परमात्मा से योग लगाती हैं वो आत्माएं परमपिता परमात्मा से समानता का अनुभव करती हैं, परमपिता परमात्मा के समान बनने का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे बच्चे परमपिता परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं या फिर योग लगा रहे हैं, दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को पा रहे हैं, दोनों ही वर्षा के अधिकारी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तू आत्माएं ही करती हैं। जो आत्माएं योगी होती हैं, परमपिता परमात्मा से योग लगाती हैं, पवित्र रहती हैं, वो आत्माएं सदा अचल अटल रहती हैं, वो डिगमिगा नहीं सकती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सदा विजयी नहीं हैं। बाबा कहते हैं जो हमको प्रेम करते हैं, हमको प्रेम भावना से जानते हैं, हमको योग नहीं लगाते हैं, प्रेम भावना से जानते हैं, प्रेम स्वरूप आत्माएं जो हैं, भावना स्वरूप आत्माएं जो हैं, वो भावना से प्रेम से आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो सदा विजयी नहीं होते, वो अटल नहीं होते हैं, वो डिगमिगा जाते हैं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है।
बाबा कहते हैं जो हमसे प्रेम करता है उन आत्माओं के मन में तो सदा बाबा बाबा ही रहता है, इसलिए कि जो जिससे प्रेम करता है वो सदा याद रहता है। तो जो परमपिता परमात्मा से प्रेम करता है उसके मुख में तो सदा पर बाबा बाबा ही रहता है, इस कारण बाबा का सहयोग उसको भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि योग लगाने वाले बस को ही प्राप्त होता है, भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में एक ज्ञानी तू आत्माएं ही समीप है, इसलिए भावना और एक ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। बाबा कहते हैं कि जो हमसे प्रेम करते हैं तो उनके मन में तो सदा बाबा बाबा ही रहता है, क्योंकि प्रेम करते हैं तो हमेशा बाबा ही याद रहता है। तो परमपिता परमात्मा का उनको भी सहयोग प्राप्त होता है जो प्रेम करते हैं, लेकिन वो बाप समान बनने की कोशिश नहीं करते हैं। वो बाप समान बनने की कोशिश तुम ज्ञानी आत्माएं ही योग लगा के करती हो, तुम आत्माएं ही बाप योगी आत्माएं ही बाप समान बनने की कगार में हैं, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य करो। मतलब ये भी सोचो कि हम परमपिता परमात्मा से प्रेम भी करें जिससे हमेशा परमपिता परमात्मा याद रहे, और ज्ञान स्वरूप भी बनो जिससे परमपिता परमात्मा के हम परमपिता परमात्मा के समान बन जाएं। जितनी भावना हो उतना ही एक ज्ञान स्वरूप हो, जितना ही परमपिता परमात्मा से प्रेम हो उतना ही एक ज्ञान स्वरूप हो, इतना ही पवित्रता हो उतना ही तुम्हारी योग बल हो, जिससे अगर तुम परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हो तो तुम्हारे दिन भर मुख में मतलब आर्गन्स में हमेशा परमपिता परमात्मा ही रहेगा, और अगर परमपिता परमात्मा से योग भी लगाते हो तो परमपिता परमात्मा के जैसे भी बन जाओगे। तो तुमको भावना और ज्ञान दोनों साथ में रखना है, सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान से संपूर्णता नहीं है। बाबा कहते हैं या फिर तुम परमपिता परमात्मा से प्रेम बस कर लिए, या भावना से तुम परमपिता परमात्मा को जानते हो, या फिर ज्ञान से जानते हो, योग से परमपिता परमात्मा को जानते हो, दोनों ये अलग अलग अगर जानते हो तो संपूर्णता नहीं है। तुम परमपिता परमात्मा को प्रेम भी करते हो और ज्ञान से भी परमपिता परमात्मा को जानते हो, तब तुम 16 कला संपूर्ण बनोगे। ठीक है, एक ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। मतलब परमपिता परमात्मा का एक ज्ञान युक्त भी रहो और स्नेह संपन्न योगी भी रहो, प्रेम भी करो योग भी लगाओ, जब दोनों का बैलेंस बना रहेगा तब तुम उड़ती कला का अनुभव करोगे। बाप समान अर्थात दोनों की समानता, बाप समान बनना अर्थात प्रेम और योग दोनों की समानता रहे, बाप से प्रेम भी रहे भावना भी रहे और बाप से योग भी लगाते रहो, दोनों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं, यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में चाहे राज्य की स्थापना में दोनों में आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं जो भावना स्वरूप आत्माएं हैं योग बल से परमपिता परमात्मा को नहीं जानती हैं, केवल भावना से परमपिता परमात्मा को जानती हैं, वो सेवा में ज्यादा काम आती हैं। जो भावना स्वरूप आत्माएं हैं ये स्थापना के कार्य में ज्यादा काम में आती हैं, चाहे वो सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो चाहे राज्य की स्थापना हो, दोनों में इनका बहुत जरूरी है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी तू आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा से जो आत्माएं प्रेम करती हैं ठीक है वो भी स्थापना के कार्य में बहुत जरूरी हैं, लेकिन योगी आत्माओं की भी बहुत जरूरी है। योगी आत्माएं योग कर करके वायुमंडल में वैराग्य वृत्ति डालेंगी, वायुमंडल का ऐसा स्वरूप बना देंगी, तो बाद में ये भावना स्वरूप आत्माएं आराम से आ जाएंगी। जो बाद में आत्माएं आएंगी उनको एक ज्ञान थोड़ी ना होगा, वो योग थोड़ी ना लगाएंगी, वो तो परमपिता परमात्मा से प्रेम ही करेंगी। तो अभी जो योगी आत्माएं हैं इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी योगी आत्माएं योग लगा के वायुमंडल को सहज बनाएंगी, अगर वायुमंडल बदलेगा तब फिर और आत्माएं आएंगी। इसलिए सेवा के लक्ष्य में एक ज्ञानी योगी तू आत्माओं के तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। मतलब अभी जो संगम युग की सेवा है इसलिए इस सेवा में एक ज्ञानी योगी आत्माओं की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक ज्ञानी योगी जो आत्माएं हैं वो वायुमंडल को चेंज करेंगी,
और जब वायुमंडल चेंज होगा उससे और भी आत्माएं आएंगी, तो जो और आत्माएं बाद में आएंगी वो एक ज्ञानी योगी आत्मा नहीं रहेंगी, वो स्नेह भावना वाली आत्मा रहेगी। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। अभी बाबा कहते हैं जो स्नेह स्वरूप आत्माएं हैं, प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, उनकी स्थापना में बहुत जरूरी है, ऐसी आत्माओं का स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें एक ज्ञान स्वरूप आत्माओं की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं अभी योग लगा के वायुमंडल को चेक करें, चेंज करेंगी, तो वायुमंडल अगर बदलेगा तो फिर एक ज्ञान में बहुत सारे लोग आएंगे, तो जो लोग बाद में आएंगे, अंतिम में आएंगे, वो स्नेह भावना युक्त ही होंगे, वो इतना जल्दी तो एक ज्ञान योग नहीं लगा सकते। समझा, ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो, ठीक है। ऐसे न मानो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे लोग ब्राह्मण बच्चे बन रहे हैं, ऐसा ना सोचो, ठीक है। बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो, मतलब एक ज्ञानी योगी आत्माएं को तैयार करो, प्रेम करने वाली स्नेही भावना, जो आत्माएं प्रेम से परमपिता परमात्मा को जानती हैं, अपनी भावनाओं से परमपिता परमात्मा को जानती हैं, इनको अभी तुम तैयार ना करो, अभी एक ज्ञान की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो, जो योग लगाने वाली आत्माएं हैं। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। विश्व का परिवर्तन वही करेंगी आत्माएं जो परमपिता परमात्मा को प्रेम से भी जानती हैं, ज्ञान योग से भी जानती हैं, भावना से भी जानती हैं, ज्ञान से भी जानती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बाबा कह रहे हैं कि विश्व के परिवर्तन के लिए, ये पतित से पावन बनने के लिए, जिससे सभी पावन बन जाएं, तो इसके लिए शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके, बहुत सारी आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बना सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि जो स्नेही आत्माएं होती है, जो आत्माएं परम पिता परमात्मा से प्रेम करती हैं, वो आत्माएं अपने के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसी आत्माएं भावना के कल्याण के लिए नहीं होती हैं। जो परम पिता परमात्मा से जो आत्माएं प्रेम करती हैं, वो विश्व में कहने नहीं जाएंगे कि तुम भी परम पिता परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन जो एक ज्ञानी योगी आत्माएं होती हैं, वो दूसरों को एक ज्ञान देके वो फिर एक ज्ञान, मतलब दूसरों को भी ब्राह्मण बनाती हैं। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। जो स्नेही व भावना वाली आत्माएं हैं, स्नेह से परमपिता परमात्मा को जानती हैं, भावनाओं से परमपिता परमात्मा को जानती हैं, वो स्वयं के प्रति और कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती हैं, मतलब अपना कल्याण करती हैं और कुछ अगल बगल की आत्माओं का कल्याण करती हैं। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली ही आत्माएं कर सकती हैं, मतलब पूरे विश्व की सेवा, पूरी आत्माओं की सेवा ऐसी आत्माएं कर सकती हैं जो परमपिता परमात्मा से प्रेम भी करती हों और एक ज्ञान भी हो उनको, मतलब योग भी लगाती हों। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने लिए बस तुम परमपिता परमात्मा को जान गए, दूसरे को ना बताओ, अपने शुभ भावना द्वारा और शुभ कामना द्वारा दूसरे को भी परिवर्तन करो, ठीक है। यह परिवर्तन का काम वही कर सकता है जिनमें दोनों चीज हो, परमपिता परमात्मा से प्रेम भी हो, एक ज्ञान भी हो, योग भी हो। तो ऐसी भावना और एक ज्ञान स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। बाबा कहते हैं कि ये तुम एक ज्ञान और स्नेह दोनों वाली आत्माएं बन गए हो, या फिर जो आत्माएं परमपिता परमात्मा को प्रेम करती हैं उन्हीं को देखकर खुश हो, कल्याणकारी बने हो, बेहद विश्व कल्याणकारी बन रहे हो, यह चेक करो रिजल्ट क्या है। बाबा कह रहे हैं तुम कल्याणकारी बने हो, मतलब दूसरों को भी शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हो कि नहीं, ये चेक करो रिजल्ट क्या है, ये देखो। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, चाहे वो बाप से प्रेम करें, चाहे बाप से योग लगाएं,
परमपिता परमात्मा को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना। भले उनको परमपिता का परमात्मा का एक ज्ञान नहीं है, परमपिता परमात्मा को जानते हैं लेकिन अपने 84 के चक्र का मतलब ध्यान नहीं है, या फिर बहुत सारे ज्ञान नहीं है उनको, उनके पास एक ज्ञान नहीं है। परमपिता परमात्मा को योग नहीं लगाते हैं लेकिन परमपिता परमात्मा से प्रेम तो कर लिए हैं ना, परमपिता परमात्मा को अपना तो बना लिए हैं, पहचान लिए, बरसे का अधिकारी बन गए, करोड़ों में कोई की लाइन में तो आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुशी होते हैं ना। बाबा कहते हैं जो हमसे योग नहीं लगा रहा है, हमसे प्रेम बस कर रहा है, वो भी हमको अपना तो बना लिया ना, इसलिए तो हमसे प्रेम कर रहा है। जो हमसे प्रेम कर रहा है वो भी हमारे बरसे का अधिकारी बन गया, करोड़ों में एक है वो, अपने ठिकाने पर वो पहुंच गया, अब उसका तन भटकने से बच गया, मन भटकने से बच गया, इसलिए खुश तो होना ही चाहिए। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश, खुश किस्मत वाले तो बन गए हो ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। बाबा कहते हैं कि देखो परमपिता परमात्मा से बाप से डायरेक्ट मिलने वाले कितनी आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक जो पूरे विश्व का एक ज्ञान देता है, ऐसे शिक्षक के स्टूडेंट कितने आश्चर्यचकित वाले हैं, वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है और पढ़ने वाले हम साधारण पतित आत्माएं हैं, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी VIP बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम खुद ही सोचो कि पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा है और पढ़ने वाले साधारण लोग हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा भी तो साधारण शरीर में ही आता है। किसी कलेक्टर, SP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के शरीर में तो वो बाप दादा नहीं आते हैं, परमपिता परमात्मा नहीं आते हैं, परमपिता परमात्मा तो किसी साधारण तन में ही आते हैं, तो उनको साधारण लोग ही पहचान पाते हैं। खुश नसीब हो ना, कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है, इससे बड़ा हाल होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जब तुम शुरू शुरू में सेवा चालू किए थे तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा हाल बनवाएंगे तो इतना बड़ा हाल क्या होगा, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि और बड़ा हाल होता तो कुछ लोग और आ जाते, और लोगों को एक जान मिल जाता। ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा ने ये वरदान दिया है कि तुम एक जान के लिए जितना बड़ा हाल बनाते जाओगे तुमको छोटा पड़ता जाएगा, उतनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी ब्राह्मणों की। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, एक ज्ञानी भी बनो। बाबा कहते हैं कि जो भी आए हैं सभी आने वालों को मैं धन मुबारक देता हूं, लेकिन सिर्फ भावुक ना बनो, भावना से परमपिता परमात्मा को ना जानो, प्यार से सिर्फ परमपिता परमात्मा को ना जानो, एक ज्ञानी भी बनो, योग भी लगाओ, प्यार से भी जानो, योग से भी जानो, प्रकृति के भी एक ज्ञानी बनो, प्रकृति को भी जानो योग लगा के। एक ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ परमपिता परमात्मा या फिर आत्मा का एक ज्ञान ना रखो, तुम आत्मा का भी एक ज्ञान रखो, परम आत्मा का भी एक ज्ञान रखो और प्रकृति का भी एक ज्ञान रखो, वायुमंडल को भी संभालो, उसमें ड्रामा भी आ जाता है, तीनों का एक ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या टेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज फुल नहीं है। बाबा कहते हैं अगर तुम ये नहीं जान रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या टेंशन चाहिए, अगर तुम्हें प्रकृति का नॉलेज नहीं है तो फिर तुम नॉलेज फुल नहीं हो, एक ज्ञानी नहीं हो। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का एक ज्ञान रखो, मतलब आत्मा का भी, परमात्मा का भी और प्रकृति का, तीनों का एक ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है, एक ज्ञान स्वरूप माना दूरदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का एक ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता बनती है। बाबा कहते हैं भावुक बस ना बनो,
कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं, हम परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार करते हैं, हम परमपिता परमात्मा हमारा है, केवल बस इतना ना करो, एक जान स्वरूप त्रिकालदर्शी बनो, अपने तीनों कालों को जानो। अगर तुमको सब मतलब अपने भूतकाल भविष्य को वर्तमान को सबको जानो, अपने कल्प के बारे में जानो, तब तुम्हारा एक जान अगर ये सब स्पष्ट हो जाएगा तब तुमको सफलता मिलेगी। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको एक ज्ञान योगी नहीं कहते हैं। अगर मतलब किस कोई बार बार बीमार होता है मतलब उसके ऊपर माया आक्रमण कर देती है, एक ज्ञान में आता है फिर विकार में आ जाता है, तो परमपिता परमात्मा उसे एक ज्ञान योगी नहीं कहते हैं। एक ज्ञान का अर्थ है समझ, अपनी स्थिति को भी समझो और शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब एक ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेज फुल है। बाबा कहते हैं अपने आत्मा को भी अगर तुम जानते हो, शरीर को भी जानते हो, परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, वायुमंडल को भी जानते हो, अगर ये सब एक ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम फिर नॉलेज फुल हो, एक ज्ञानी हो। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, परमपिता परमात्मा को भावना से जान रहे हो, प्यार कर रहे हो, इतने में तुम खुश ना हो जाओ। परमपिता परमात्मा का एक ज्ञान लो, योग लगाओ, तुम प्रकृति का नॉलेज रखो। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेज फुल होना चाहिए, मतलब जो एक ज्ञान में आ रहे हैं जो एक ज्ञान में ला रहे हैं दोनों को नॉलेज फुल होना चाहिए, दोनों को एक ज्ञानी होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुँचते हैं, इसलिए तो मुबारक दे ही दी है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। जो आत्मा जिस वर्षे की अधिकारी है, जिस आत्मा का जो स्थान है उस आत्मा को वह मिलना ही है, वो उस आत्मा को वो प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई रह ही नहीं सकता है, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते वर्षा अवश्य प्राप्त होता है। डबल नॉलेज फुल होना है, हाफ नॉलेज फुल नहीं बनो, ठीक है। डबल नॉलेज फुल यानी परमपिता परमात्मा को भावना से भी जानो, प्यार से भी जानो, योग से भी जानो, योग से प्रकृति को भी जानो। तुमको आधा नॉलेज नहीं लेना है, फुल नॉलेज लेना है, डबल नॉलेज फुल बनना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुशनसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नोट है, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के दो बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। मतलब 1 अप्रैल 1992 की मुरली है, तो बाबा के मिलन में कर्नाटक जोन के दो बुजुर्ग भाइयों ने अपना शरीर वहीं पर बाबा के मिलन में छोड़ दिए थे, इसलिए कहा गया है कि बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है, परमपिता परमात्मा ने सभी का विशेष ध्यान खिंचवाया है। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दें, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना। बाबा दादियों से अव्यक्त मुलाकात में कह रहे हैं कि तुम आत्माएं निमित्त बनी हो और तुम्हारी हिम्मत को देखकर और लोगों को भी हिम्मत बढ़ रही है। आप लोग हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए हो, आपको कोई परिस्थिति डगमगा नहीं सकती है। ये परमपिता पर अव्यक्त बाप दादा दादियों से बोल रहे हैं, नथिंग न्यू लगता है ना, वो दादियों को बोल रहे हैं कि आप सब लोगों को पुराना ही लगता है, क्योंकि ये कल्प पहले भी हुआ था और कल्प पहले की जानकारी आप लोगों को है, इसलिए आप लोगों को ये सब पुराना ही लगता है। बाप दादा पर्दे के अंदर से साकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं ही हो। बाप दादा पर्दे के पीछे से साकाश दे रहे हैं, बाप दादा तो सामने नहीं आ रहे हैं, खड़े होकर साकाश दे रहे हैं, लेकिन बाप दादा के ज्ञान गंगाएं यानी पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आत्माएं तुम ही हो,
दादियों को बोल रहे हैं। अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर वन उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही साकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसा लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से ही सफलता है ही। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा दादियों से बोल रहे हैं कि सब ठीक है, हिम्मत से ही सफलता मिलनी है। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। जो अव्यक्त बाप दादा, जैसे 1 अप्रैल 1992 में कुछ विदेश की भी पार्टियां आई थी, तो जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से मुलाकात हुई उसमें क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं जो तुम ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चे हैं मैं उनको देख रहा हूँ। बाबा मिलन में ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आए थे 1 अप्रैल 1992 के 92 में ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया निवासी तुम अपनी विशेषता जानते हो, पहली बार आए हो इसलिए नहीं जानते हो। नए स्थान पर आए हो वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। बाबा ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों से पूछ रहे हैं, डबल विदेशी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं परमपिता परमात्मा कि तुम नए स्थान पर आए हो या फिर जाने पहचाने स्थान पर आए हो। यहाँ जब पहुँचोगे, यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति याद आ जाती है क्योंकि तुम बच्चे 84 जन्म पहले भी यहाँ आए थे। तुम बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि ये एक जन्म पहले ही ऐसा हुआ था। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है वह दूर की आत्मा है। बाबा कहते हैं कि तुम अपने अनुभव के द्वारा ही जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माएं परमपिता परमात्मा के समीप की आत्मा है वह परमपिता परमात्मा से दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर में है या सेकंड नंबर में है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। इस अलौकिक संबंध में परमपिता परमात्मा और आत्मा के संबंध में केवल यही विशेषता है कि हर आत्मा यही समझती है कि मैं फर्स्ट में जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर बार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर। बाबा कहते हैं ये अलौकिक संबंध जो है परमपिता परमात्मा का और आत्मा का संबंध जो है, इसमें ही केवल आत्मा समझती है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। पूरी आत्मा यही समझती है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। जो लौकिक में है वो तो समझेंगे कि वो बड़ा है तो वो पहले नंबर पर जाएगा, वो छोटा है तो दूसरे नंबर पर जाएगा, वो और छोटा है तो तीसरा नंबर पर जाएगा। लेकिन आत्माओं में ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। जो लास्ट में भी यहाँ आता है वो भी समझता है कि मैं लास्ट में भले हूँ लेकिन फर्स्ट में जाऊँगा। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। अगर फर्स्ट आना है, फर्स्ट आने की निशानी, पहले नंबर पर आने की निशानी यही है कि हमेशा बाप के साथ रहना, बाप की याद में रहना। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं कि जब तुमको अनुभव हो जाएगा कि ये मेरा बाबा है, मेरा सगा संबंधी है, तो तुमको वैसे भी याद रहेगा, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। अगर किसी को अपना कहते हो, मेरा कहते हो, तो उसके ऊपर मतलब तुम्हारा अधिकार हो जाना। तो अगर तुम परमपिता परमात्मा को अपना मानते हो तो उसके ऊपर यानी अधिकार हो जाना तुम्हारा। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, यह बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती है। जैसे अपने शरीर में रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। बाबा कहते हैं जो परमपिता परमात्मा के बन गए हैं उन पर माया आ ही नहीं सकती है। जैसे ये जो तुम्हारा लौकिक शरीर है इसको अपना रहने का स्थान मतलब फिक्स है, मालूम है,
जब मतलब काम करते करते थक जाते हो, जब तुम्हारा काम हो जाता है तो फिर ये शरीर घर में ही जाकर रेस्ट करता है ना। इसी रीति से समझो कि अब ये आत्माएं थक गई है तो अपने घर ना रेस्ट करने जाएंगी। इस रीति से जब मालूम पड़ता है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते ही रह सकते हो। ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव हो, हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए हो। सभी लोग अपनी तकदीर बना के, अपना कर्म बना करके तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए हो। मेरे बाप दादा ऑस्ट्रेलिया को लोगों को बोल रहे हैं कि सब लोग अपनी तकदीर बना के अब तुम तकदीर बनाने वाले के पास पहुंच गए हो। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, ठीक है। अब जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, उसमें वैरायटी है। कुछ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के हैं। बाबा कहते हैं जो एग्जाम में आए हैं तो वो तो शरीर के कारण बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, लेकिन अभी सब बच्चे बन गए हैं, क्योंकि सबका नया जन्म हुआ है। जब से एग्जाम मिला है तब से सबका नया जन्म हुआ है। तो किसी को 8 माह एग्जाम मिले हुआ, किसी को 12 माह एग्जाम मिले हुआ, एग्जाम मिले यानी परमपिता परमात्मा को जाने हुए। तो कोई 8 माह से परमपिता परमात्मा को जान रहा है, कोई 12 माह से जान रहा है। तो अभी कोई 8 महीने का है, कोई 12 महीने का है। अब तुम अलौकिक जन्म का ही वर्णन करोगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलती आत्माएं हो, बाप सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगा। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा अटूट याद है, अटूट प्रेम है, यही तुम्हारी सभी समस्याओं को खत्म करके पंछी की तरह उड़ा ले जाएगा और कला में भी उड़ते जाओगे, 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। बाप दादा के दिल तक सीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे, मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की अमेरिका की पार्टी से मुलाकात। अमेरिका की पार्टी जो आई थी बाबा के मिलन में, उससे बाबा क्या कहते हैं, आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं सदा, क्योंकि सदा का बरसा पा रहे हो ना। बाप दादा अमेरिका की पार्टी से कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ ही होंगे। अब श्रेष्ठ आत्माओं के संकल्प कभी कभी श्रेष्ठ नहीं होंगे, उनके संकल्प उनके बोल हमेशा श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि तुम जो बरसा पा रहे हो वो हमेशा के लिए पा रहे हो ना। तो जब सदा का बरसा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। जब तुम बरसा सदा काल के लिए पा रहे हो, हमेशा के लिए बरसा पा रहे हो, तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति पवन पवित्र वृत्ति ये सब भी सदा काल के लिए होना चाहिए, हमेशा के लिए। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है, सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को है? बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई सा बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाबा पूछते हैं कि आज बच्चों तुम्हारे लिए खुशी का दिन है कि नहीं, ये बताओ कि आज खुशी किसको है, बाप को है या बच्चों को? तो यह खुशी बाप दादा को है, क्योंकि बाप ऐसा कोई बाप नहीं है सारे विश्व में, सारे संसार में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो, हर एक बच्चा पवित्र हो। केवल परमपिता परमात्मा ही ऐसा है जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ बनता है। बाप दादा हर एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाएंगे। अगर परमपिता परमात्मा हर एक बच्चे की अलग अलग विशेषता करें तो कई साल बीत जाएंगे विशेषता बताते बताते। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं, विशेष आत्मा हो,
ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ऐसा समझो हम कि हमारा ही शास्त्र बन जाए, हमारी ही महिमा के शास्त्र बन जाए, क्योंकि विशेष आत्मा हो। ऐसा अगर तुम्हारे मन में रहेगा कि हमारा ही शास्त्र बने तो तुम माया जीत स्वतः ही बन जाओगे। अब मैक्सिको की ग्रुप से जो मैक्सिको देश से आए थे, मैक्सिको के देश से जो ग्रुप आया था बाबा मिलन में, उससे कहते हैं जितना दूर है उतना दिल से समीप हो। मैक्सिको के लोगों से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम जितने दूर हो देश से, भारत से तो दूर हो लेकिन दिल के बहुत समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त हैं। मतलब एक एक आत्माएं स्थापना के कार्य को सफल करने के लिए निमित्त हैं। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो? परमपिता परमात्मा मैक्सिको के ग्रुप से कहते हैं कि तुम अपने को अमूल्य समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं स्थापना के लिए जरूरी हैं। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप को ढूंढकर अपना बनाया है। मैक्सिको भारत से बहुत दूर है, इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम कितनी भाग्यवान आत्माएं हो कि इतनी दूर हो लेकिन फिर भी बाप को ढूंढकर अपना बना ली हो। आज की दुनिया में जो बड़े हैं, विद्वान हैं, आचार हैं, उन्होंने आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान हो। आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में जो विद्वान हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संन्यासी हैं, उनसे लाखों करोड़ों पदम गुना तुम अधिक भाग्यवान हो, क्योंकि तुम इतने दूर से परमपिता को परमात्मा को जान गए हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। ठीक है, मैक्सिको के लोगों से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे इस खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था हमको अब सब मिल गया, बाप मिल गया यानी सब मिल गया। न्यूजीलैंड से फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं, न्यूलैंड बना रहे हो ना, न्यूजीलैंड उसका नाम है, यानी न्यूलैंड, लैंड यानी होती है भूमि, तो यानी नई दुनिया बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। बाबा न्यूजीलैंड वालों से कह रहे हैं कि अपनी भूमि को नई बना रहे हो ना, स्वयं को भी पवित्र बनाओगे और विश्व को भी पवित्र बनाओगे। ठीक है, तुम अपना यही कार्य समझो कि हम विश्व के नव निर्माण करने वाले हैं। जो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। न्यूजीलैंड वाले न्यूजीलैंड में अगर रह रहे हैं तो न्यूजीलैंड वालों को तो नया बना सकते हैं। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की क्या विशेषता है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। जो भारतवासी न्यूजीलैंड में गए हैं वो बाप को पहचान लिए हैं, भाग्य बनाने वालों को पहचान लिए हैं। भारत में रहते हुए भी भारतवासी बच्चों ने परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, लेकिन जो भारत के लोग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं वो भारत को जान गए, मतलब परमपिता परमात्मा को जान गए हैं। लेकिन विदेश में रहते हुए भारत की महिमा को और बाप को जान लिया है। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। बाबा कहते हैं जो भारत के बच्चे न्यूजीलैंड में चले गए हैं तो वो भी एक जान में आ गए हैं, और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि भारत में रह रहे हैं फिर भी बाप को नहीं जान रहे हैं। लेकिन जिनका ड्रामा में नूद है वो न्यूजीलैंड में रहते हुए भी बाप को जान रहे हैं। तो जो भारत के बच्चे न्यूजीलैंड में हैं वो तो तुम भारत वाले बच्चों से अच्छे निकल गए। टीचर पीछे मिली है लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? वरदान है लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव, फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। बाबा कहते हैं कि ये जो तुम्हारे ये लौकिक लगाव है, शरीरों का प्रेम है, ये धागों को तुम समाप्त कर दो और उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव अपने आप को आत्मा समझो। अब मतलब ऐसा समझो कि हमारी पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप को चेक करो कि कोई धागा माया से लगा तो नहीं है,
कोई धाग, कोई संसार हमको, संसार की कोई चीज हमको आकर्षित तो नहीं कर रही है, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। बाबा कहते हैं कि किसी कोई ये जो शरीर सॉरी जो दुनिया की अच्छी चीज़ें हैं वो सबको आकर्षित जरूर करती हैं। कोई कोई कहते हैं किसी चीज़ को कहते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो जो इच्छा है किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, ये संसारिक चीज़ों की पाने की इच्छा है, इसका मतलब तुम्हारा माया से मोटा धागा है। और संसारिक चीज़ों को तुम्हारी पाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका मतलब माया से तुम्हारा धागा लगा है लेकिन पतला धागा लगा है। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो, अपने आप को आत्मा समझो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मतलब मन के द्वारा, योग के द्वारा शक्तियों का और कर्म के द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। ठीक है, अगर मुरली आपको अच्छे से समझ में आई तो कमेंट में ओम शांति लिखें, और पर डे की मुरली पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।